ऐसे ही नहीं निकले। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। और हमारे बाबू हो चुके हैं तैयार और आने लगा है घर से फोन, तो जरा मैं देख लेती हूँ। और अभी हमें राखी वगैरह नहीं बंधी है, देख सकते हैं। और टाइम हो गया है, कितना हो रहा है टाइम? 9:30 हो रहा है और हमारे पतिदेव पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इनका यही काम रहता है, जब कभी जाना आना हो तो इनके बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं। और ये सोचो मेरी कार भी साफ नहीं है, मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत आ रहा है, इसीलिए मैं कंट्रोल करके लेटी हुई हूँ। कि मैं पूरा तैयार हो चुकी हूँ यार, निकलना है तो निकले, तैयार हो चुकी हूँ, अब क्या बताएं। और इसको देखो, ये फ़ोन देख रहा है और आप साफ कर रहे हैं हमारे पतिदेव कार। सही है सही है, तुम्हारे काम एकदम सही रहते हैं, पता है। खाने चाहे लेकिन पहले तो राखी बंधवाओगे ना? मतलब पहले चाय पीलोगे फिर राखी बंधवाओगे? ठीक है, और अभी पी लेते हैं चाय। ये देखो चाय की हालत देखो, ये देखो बॉयल होते 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 ऐसी हो गई है। चाय 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 आ गई भाई, चाय आ गई। और अभी हम लोग पीने जा रहे हैं चाय। नमकीन कहाँ है? नमकीन इधर देखो, हमारा सामान सब भरा पड़ा हुआ है, सब रखना है अभी। सही बात। वैसे तो मेरा दिमाग, पहनावा देखो पहले, पहनावा मतलब शर्ट देखो ये। अरे भी इन करेंगे, बैठते तो नहीं हो जाती दिक्कत, पता हमको इसी चीज से नफरत है, इसी चीज से। मैं तीन पैंट जब उसी दिन पूछने लगते हो ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब इतने दिन से पूछे थे, देखा था। मतलब सही बताए, मेरा मन कर रहा है कि हम अपना सर पटक दे कहीं जाके। लेकिन तुमसे पूछे पहननी कौन सी खाली, जहाँ मुझे कपड़े बेकार लगने लगे ना, ठीक है हम ले के साथ में, मेरा मन नहीं करता चले। मतलब इतने शर्ट हैं, एक शर्ट प्रेस नहीं है, बताओ कितनी प्रेस? तुमको सारी प्रेस दिखाई दे, तीन चार शर्ट प्रेस। वो है पहन जाने, वो पहन जा चुके या नहीं, पहन जा चुके या नहीं ये बताओ पहले। तो भैया पहन लिए जींस, पहन लिए जींस, लड़कों नहीं होता कि एक बार पहन लिए दोबारा नहीं पहन। अच्छा मेरे साथ चला करो तो ढंग से चला करो, समझ गए? चलना कौन जाता है, तो मत जाओ, मत जाओ, जरूरी हो, जरूरी है। कुर्ती कितने की थी? इतनी महंगी कह ली तुमने, महंगी कितने की थी? टैग उठाओ, टैग उठाओ, 1600 इतने की गई थी और क्या। अरे यार तो हम ये वन आगे का नहीं पढ़े थे, सच्ची 699 पढ़ा था, हम 699 पढ़े थे यार। ठीक है तुम्हारी गणित बढ़िया है। यार ये देखो यार, मैंने पता है मुझे नहीं लगा, मैंने ऐसे इतना देखा 699, 1699 यार सच बता रहे हैं, मुझे लगा 699, मैंने आगे का वन नहीं देखा था और ये महंगी हो गई यार। चलो कोई नहीं, अब ले लिया तो ले लिया। मैंने 699 पढ़ा और आगे का वन जो है वो छोड़ दिया, वो थोड़ा सा दूर भी लिखा हुआ था यार, थोड़ा सा पास में लिखा हुआ था, तो मुझे कॉमा लगा के लिखा था ना, तो वो थोड़ा सा आगे लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, इसीलिए तो हमने दो खरीद ली थी। तुमने रक्षाबंधन में मुझे बुरा फील कराया, सोचो सोच सकते हो, मतलब तुमने हमसे इसका मतलब प्राइस बताया, कितना बुरा लगा मुझे। अच्छा। और यहाँ पर दीदी बांधने लगी है राखी, और यार टाइम बहुत ज़्यादा हो, पता है जैसा सोच के चलो वैसा कुछ भी नहीं होता है। सोचा था कि मॉर्निंग में 8 बजे तो ज़रूर निकल लेंगे हम लोग, लेकिन यार इतना लेट हो जाते हैं हर बार, 9:30 हो रहा है और अभी हम लोग निकल नहीं पाए हैं। तो अभी पहले तो इनको राखी बंधेगी, फिर मुझे बंधेगी, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि यार पता है दो दो जगह जाना रहता है, दो नहीं तीन जगह जाना रहता है। पहले दीदी के यहाँ जाएंगे, उसके बाद अपने फतेहपुर वाले घर जाएंगे, उसके बाद मतलब मैं गाँव जाऊँगी, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी निकलो ना तो सही रहता है। तो बस अब राखी बन चुकी है, फिर हम निकलेंगे। और अभी हमारी राखी बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप, और पतिदेव पहन रहे हैं जूते गंदे से, इन्होंने साफ भी नहीं किया है। क्या है, मैट लुक है ये? मैट तो है ही है, सब मैट ही है ये कटोरी। अच्छा बस निकल रहे हैं, हाँ हाँ बस निकल रहे हैं। ठीक भैया वेट करो, वेट करो, थोड़ा लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं। बाबू इधर आओ। और ये देखिए हमारे गेट के बाहर, मतलब हमारे घर के जो बाहर है ना रोड, वो बन रही है इस टाइम पे, तो पूरी रोड जो है ना वो खुदी पड़ी हुई है, तो गाड़ी वगैरह निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर रक्षाबंधन है तो निकालना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कैसे जाएंगे हम लोग। आगे आओगे वो आप ही के पास आएगा। चलो 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 हमारे पीछे सारे। बाबा
बाबा के, बाबा के लिए रो रहे हो? बाबा आ रहे, वो देखो पीछे पीछे बाबा आ रहे, चलो निकल गए। बाबा आ रहे पीछे पीछे, बाबा गए, बाबा गए, बाबा गए, हो बाबा गए। और अभी हम निकल चुके हैं घर से, फाइनली हमारी कार जो है वो निकल गई है, लेकिन पत्थर वगैरह जो है वो टूट गए हैं। और इसके बाद देखो हम लोग जब आते हैं वापस तो ये कार कैसे जाती, मुझे नहीं लग रहा जा पाएगी। और ये रहे हमारे बाबू, और आप हमारे बालों पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये बाल यार एकदम गंदे हो रखे। तो पता है मैं जब अपना बाल कट करवाने गई थी तो मेरे बाल में बहुत ज़्यादा तेल था, तो वो पहली बार काट ही नहीं रही थी। मैंने कहा यार काट दो, कुछ भी काट दो, ठीक है बस इनको कट कर दो। तो उन्होंने काट दिया है, बोले थे मेरी जो कैची है उसकी सान टेढ़ी हो जाएगी और आपके बालों में बहुत तेल है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार कट कर दो, क्योंकि मैं गई थी यार बहुत टाइम निकाल के इंसान जा पाता है और फिर वापस आता है, मतलब वापस आ जाते, तो मैं जा नहीं पाती दोबारा। मैंने कहा काट दो बस किसी तरीके से। रख ली राखियों की भूल तो नहीं हो कुछ? हाँ, मिठाई रख ली, राखी हाँ राखी रखी है मैंने, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने दीदी के यहाँ, क्योंकि बाबू को राखी बंधवाना है। बाबू की बहन जो है वो मेरी दीदी की बेटी है, तो वही राखी बांधती इनको, तो वो बांधेगी। और उसके बाद जाएंगे अपने मायके। तो देखो कितना टाइम लगता है, मेरे भाई लोग बेचारे सबके राखी बंध गई, मेरे भाई लोग ऐसे हाथ देख रहे होंगे, कह रहे होंगे यार कब आएंगी मेरी दीदी, कब बांधेंगी राखी, क्या क्या बताओ। यहाँ पे तो इक्का दुक्का बाइक दिख जाती है जिसपे पीछे लेडीज नहीं होती, लेकिन हम जब गाँव साइड में जाते हैं, मतलब यहाँ लखनऊ से निकल लेते हैं, तो जितनी भी बाइक दिखेंगी, जितनी भी बाइक उसमें पीछे लेडीज जरूर दिखेंगी। खुद तैयार और खुद तैयार एकदम, मतलब यार भाई क्या जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। बहने मतलब समझ सकती हैं, जेंट्स तो नहीं समझ सकते, मतलब इनके जैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ सकता। ये देखो पहले समझते थे, पहले मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत मानते थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन अब का पता नहीं क्या हो गया। देखो गलती किसकी हो सकती है, पहले अच्छे थे, गलती तुम्हारी है, तुम इतना बिजी हो गए हो पता है। जिस दिन हम चार पांच लड़के पटा लेंगे ना फिर तुम सोचोगे, वो भी पछताएंगे सब। अरे यार कितने बेकार इंसान हो। दिल तो है दिल का क्या चीज है, आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है, क्या कीजिए। अच्छा क्या कीजिए, हम कह रहे क्या चीज है। और जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, मतलब उनको गलत, पहली बात उनको गलत ही गाती हूँ हमेशा, और गाने की ऐसी की तैसी लगाने में बहुत आगे हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं अब रिमिक्स बना के दिया करूँ हर गाने का, ऐसी की तैसी लगा के। इन्होंने बेल्ट लगा ली है, हमसे नहीं बोले लगाने के लिए, आप समझ सकते हैं। ये होती है, ये होता है प्रेम। अरे पूरी तरह तुमसे बहस ही नहीं करेगा। अच्छा क्यों, हमसे क्यों नहीं करेगा, एक दिन खराब है क्या हमारा। अच्छा और अब ऐसे ही ट्रैफिक मिलते रहेंगे। देखो हम कितने बजे अपने भाइयों को राखी बांध पाते हैं, कब तक मेरे भाई बहन जो है वो हाथ अपना ऐसे ही देखते रहेंगे। लेकिन मुझे बंद गई है, अच्छी लग रही ना। कि तो बंद नहीं है ना। और हम पहुंच गए हैं बाराबंकी अपनी दी के यहाँ बाबू को राखी बंधवाने के लिए, और अभी चलते हैं दी के यहाँ राखी बंधवा लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। मतलब आई थिंक आधा घंटा तो लग जाएगा ना। पहुंच गए बाबू, बाबू अभी दीदी से मिलेगा, अपनी राखी बंधवाएगा। अभी ये सुस्त है बाबू। कार कहाँ है? कार बहुत कुछ मिल गया भाई। बाबू कुछ ले जाओगे यहाँ, इसमें से क्या ले जाओगे बताओ। कार। और ये देखो सारे लोग देख रहे हैं मूवी। पता है जब कभी ऐसा कुछ होता है, रक्षाबंधन हो या फिर 15 अगस्त हो और 26 जनवरी हो, तो वैसी ही मूवी आती है ना, तो कोई भाई बहन वाली मूवी आ रही है, बहुत सीरियस वाला जो है ना, मतलब इमोशनल वाला जो है ना वो सीन है, तो सब लोग बैठ के कैसे देख रहे हैं। और बाबू अपने में मगन है, उनको बस खेलने की अपनी सारी चीज़ें मिल जाए ना, बस वो खुश हो जाते हैं। और दीदी के यहाँ जब भी आते हैं तो बच्चे हैं ना, तो बहुत सारे खिलौने मिल जाते हैं, तो ये नहीं रोते धोते हैं, ऐसे अगर इनको कोई छू ले ना तो बहुत रोते हैं। और यहाँ पे जीजा जी को जो है ना राखी बंध रही है, उसके बाद दीदी को बंधेगी, और उसके बाद डुग्गू को बंधी, मतलब सबको राखी बंध गई है। उसके बाद हमारे बाबू का नंबर आएगा अभी। मुंह बना दो, किसी कर दो। वो अपने
उसके उसके पैसे ही नहीं मिले, पैसे मिले नहीं निकले, पैसे ही नहीं निकले। कोशिश की और क्या, कोशिश करना चाहिए। और पता है डुग्गू ने पॉकेट में पैसे रखे ही नहीं थे, और जैसे उनको राखी बन गई बस वो पॉकेट में हाथ डाल के निकाल रहे हैं कि पैसे मिल जाए, लेकिन उनको मिले ही नहीं। तो सब लोगों ने बहुत हंस लिया था यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा था यार। और अभी बाबू को राखी बनने जा रही है, और बाबू ऐसा कुछ हो मतलब उनका बर्थडे हो, राखी बंधे, कुछ भी हो ना, तो उसमें रोना धोना मचा ही देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने टीका तो बहुत आराम से लगवा लिया था, लेकिन एक बार लगवाया था ना, उसके बाद इसने लगाने नहीं दिया, तो मैंने कहा छोड़ो मत लगाओ, ठीक है। तो ये यार इसकी मतलब ये अपने आप में खेलना पसंद करता है, कोई इसके साथ कुछ भी करे ना तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। बर्थडे में भी इसने बहुत ज़्यादा, और ये देखो कितना रो रहा है, बहुत रोया था यहाँ पे। तो जीजा जी तो बोल रहे थे रहने तो मत बांधो, ठीक है, लेकिन मैंने बांध दिया था, लेकिन इसने निकाल दिया था तुरंत। और उसके बाद मैंने किसी तरीके से इनको राखी जो है ना बांध दी थी, क्योंकि यार कम से कम 2-3 दिन तो बांध के रखो ही, इसलिए मैंने किसी तरीके से इनको बांध दिया था राखी यहाँ पे। बस गुड बॉय। और अभी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं चाय नाश्ता, और चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग तुरंत निकलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी मुझे ना फतेहपुर भी जाना है, क्योंकि सारे लोग, सबको जाना रहता है यार, मम्मी आंटी सबको जाना रहता है, तो सारे लोग वेट करते हैं वहाँ पे। और ठीक, यहाँ राखी बंध गई है, हम रहे हैं निकल यहाँ से अब। ओ क्या गर्मी है भाई। तो अभी हम दीदी के यहाँ से निकल रहे हैं, और अब हम पहुँचेंगे स्पीड में अपने मायके, जिससे कि मेरे भाई लोगों को राखी बंध जाए। बहुत देर से कॉल कर रहे हैं यार बार बार। चलो जी हम लोगों को लगने लगी थी भूख, छोला वोला खाए थे, लेकिन सोचा फिर मिठाई भी खा लेते हैं। और इस उद्देश्य से जा रहे थे कि वापस होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कपड़े रख लिए हैं, अपने भी रख लिए हैं, बाबू के भी रख लिए। नहीं, इसीलिए ये अपने कपड़े नहीं रखते कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ ना मिले, इसलिए मैंने खुद ही रख लिया। सुबह 9 बजे लखनऊ जितनी बाइक है सब पे लेडीज की, देखिए भाई आप अकेले क्यों जा रहे हैं, बहन कहाँ है आपकी, अरे वाइफ कहाँ है आपकी, शादी ना हुई। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ तो जा रहा होगा बंधुआ बंधुआ के। और अभी हम फतेहपुर पहुँच चुके हैं, और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी 5 मिनट और लगेगा घर पहुँचने में। और ये हेलो जो है ना, इनके पास बहुत फोन आते हैं यार। हाँ ये नंबर भेजा तुम भैया, मेरा घर दिखने लगा, आपको दिखाते हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। ये देखो कोई भी गेट, बस गेट खुला छोड़ के सब भाग गए। मम्मी नमस्ते, और ये देखो ये पहुंचते ही रोना शुरू कर दिए थे, लेकिन यार बच्चे हैं ना, बच्चों को बस जहां भी जाएं बस इनको खेलने को मिल जाए ना, बस ये खुश हो जाते हैं। और इसको याद आ गया है कि ये पहले फतेहपुर आ चुका है, इसलिए इसको सब, ये जैसे यहाँ पहुँचता है, इसके पहले भी मैं आधे घंटे के लिए आई थी ना, तो ये तुरंत आके यहाँ पे खेलने लगता है, तो इसको ये चीज़ बहुत पसंद है, ये जो ढलान है ना ये बहुत पसंद है। तो यहाँ ये यहाँ जैसे आता है बस ये तुरंत खेलने लगे हैं। और पता है यहाँ पे मम्मी और भाई ही हैं सिर्फ, और सारे भाई जो हैं वो गाँव जा चुके हैं, क्योंकि हम लोग मेन यार गाँव ही जाते हैं। फतेहपुर में तो बस मतलब रहते हैं, ऐसा नहीं है घर है हमारा, रहते हैं, लेकिन मेन यार गाँव जो है ना वो अपना लगता है, वहाँ पर हमारे बाबा हैं, दादी हैं, चाचा चाची, तो वो मेन अपना लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ से ना जो है ना नाश्ता वगैरह कर लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग गांव निकल गए थे, क्योंकि मम्मी को भी जाना था मामा के यहाँ, और मामा आए भी थे ना, मामा यहीं से निकल रहे थे तो मामा आ गए थे, तो मामा ने बोला कि साथ ही में चलो, बाद में अकेले क्या होगी, तो मम्मी तुरंत चली गई थी, इसलिए मम्मी को तुरंत ही जाना पड़ा। जैसे मैं पहुँची, मैंने नाश्ता वगैरह किया, तो मम्मी को तुरंत ही जाना पड़ गया था। और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मम्मी भी जा रही है मामा के यहाँ। बाय बाबू, बाय बाय कर ले। हम नहीं जा रहे, जा नहीं रहे, हाँ ठीक है जाओ, ठीक है मम्मी। और हम लोग भी निकल रहे हैं गांव, क्योंकि हमारे सारे भाई जो है ना गांव में हैं, और एक भाई यहाँ पे है, तो उसको हम लोग गांव लेके जाएंगे, और रक्षाबंधन वही होगा।
क्योंकि मम्मी भी जा रहे हैं, यहाँ क्या रुकेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और ये देखो बाबू सोने लगे थे इसलिए भाई ने इनको खड़ा कर दिया, जिससे कि गांव आने वाला है और ये सोते हुए ना जाएं। और गांव का ब्लॉग जो है ना वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए ब्लॉग में।